हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कानपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के वक्त बस में करीब 100 यात्री सवार थे। हादसे में 43 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को बिल्लौर CST भेजा गया, जहां से 15 यात्रियों के बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें हैलेट के लिए रेफर कर दिया गया। बस में सवार यात्रियों का कहना है कि बस चालक को झपकी आ जाने की वजह से ये भीषण हादसा हुआ है। मिल रही जानकारी के मुताबिक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बिल्लौर में गुरुवार सुबह तड़के भीषण हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में करीब 100 मजदूर सवार थे। बस के पलटते हुए चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से 43 घायल मजदूरों को बिल्लौर CST ले जाया। यहां पर 15 मजदूरों की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें हैलेट के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि सभी मजदूर बिहार के हैं और वो पंजाब में मजदूरी के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद बस चालक और कंडक्टर बस छोड़कर भाग निकले। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि बस ड्राइवर को झपकी आ जाने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। संवाददाता लक्ष्मीचंद दीक्षित की रिपोर्ट, कानपुर, UNUSOP। सामान समझ के निकलवाना पड़ेगा, वीडियो बना के।